आज यहाँ पर एक ड्राइंग कम्पिटिशन का यहाँ पर एहतमाम किया है विभाग केवल फाउंडेशन की तरफ से, इसलिए हम आप लोगों का बहुत मशहूर ममनून है। तो अभी यहाँ पर ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सबसे पहले अरगत साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप वेलकम खिताब पेश करें हमारे लद्दाख ट्रेवल फाउंडेशन के चेयरमैन साहब को। अरगत साहब से गुजारिश करते हैं कि आप बाकी एलटीएफ के मेंबर्स को खिताब पेश करें। मेहरबानी। शुक्रिया। इसके बाद कंप्रेशन शुरू करेंगे अरगत साहब। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन की चेयरमैन खादिम पुरकी साहब, गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल के हेड मिसेस मैडम सारा जी, लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी बाकर साहब, बाकी जमील साहब और अतुल्ला साहब, और हमारे मीडिया हजरात, वीसी मेम्बरान, अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि खादिम साहब के साथ हमारे आज की जो इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन का इनकाद करने का एक डिस्कशन चला, जिसके बाद खादिम साहब ने एग्री किया कि इस बार इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन सोत रीजन में हमारे स्कूल गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल को चुन के यहाँ पे स्टूडेंट्स की इंथ्यास को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ हमारे लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन का, जो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे हमारे स्कूल पे तशरीफ़ लाए हैं। आज के जो प्रोग्राम है वो दो हिस्सों में, दो फेजेस में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट फेजेस में जैसे कि हमारे साथ देते भी है और यहाँ के लिए भी वो ये सोच रखते हैं, तो उन्होंने पिछले कई दिन से इस चीज़ पे डिस्कस हुआ कि पिछले एक दो साल से तो कोविड पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो उससे एक चीज़ प्रॉब्लम्स जो हो रही थी दैट वाज को करिकुलर एक्टिविटीज़, और बाकी जो एक्टिविटीज़ जो हमारे एक किसी हर स्टूडेंट के एक इनहेरेंट एबिलिटी होता है, तो कोविड के बाद हमारा डिस्कस के साथ ये असगर साहब के साथ ये डिस्कशन हुआ कि आफ्टर कोविड हम उस इलाके में यहाँ के स्टूडेंट्स को मॉरली उनको बूस्टअप करने के लिए, उनके अंदर की इनहेरिटेंस, उनके जो भी कला है उनको बाहर लाने के लिए हमने एक अभी प्रोग्राम रखने का हमने डिस्कशन किया, दैट्स फॉर इंटर स्कूल ब्लॉक लेवल पेंटिंग कम्पिटिशन जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे एज पर माई नॉलेज जो लिस्ट हमारे पास आया हुआ है अराउंड 5 से 7 स्कूल वगैरह के स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो ट्राइबल फाउंडेशन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ट्राइबल फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सोसाइटीज एक्ट के तहत, तो जिसमें हम ज़्यादातर हमारे ऑल ओवर लद्दाख में, ये पहले से पूरे जम्मू कश्मीर में वो रजिस्टर्ड था, अब जब से यूटी हुआ है तो हमारा मोटिव रहता है ऑल ओवर लद्दाख में हम वेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड किसी भी चीज़ के अवेयरनेस पे हम ज़्यादातर से ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं इन चीज़ों को। तो आज का हमारा जो मकसद है यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग कम्पिटिशन कराने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ के जो सब इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें जो एबिलिटी है, इनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उनको बूस्टअप करने के लिए और लोगों के सामने ये पेश लाने के लिए, ताकि इनको देख के आगे भी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं बाकी वो भी इनको देख के इंस्पायर हो जाए। तो आज हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह अनफॉर्चुनेटली थोड़ा एज पर शेड्यूल थोड़ा लेट भी हो गया, बट ज़्यादा समय न लेते हुए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और प्रोग्राम का हम यहीं से शुरुआत करते हैं। और आप तमाम मेंबर्स का जो यहाँ पे एजुकेशन जिस वक्त इलाके का, ये मेरे को देखने को मिला कि बहुत कम जगहों पर मुझे ये ऐसे यूथ देखने को मिला जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट, यहाँ पर हमारे बुजुर्गान साहिबान हैं जो बहुत आपके यूथ है जो बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं देके हमारा वेलकम किया, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा भी इंशाल्लाह इलाका इस वक्त में एजुकेशन और हेल्थ को लेके हमसे जितना हो सके हम करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के यूथ के साथ जितना टाउन दे वो देने की हम कोशिश करेंगे। तो बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
हेड मिसेस मैडम सारा जी, हमारे लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन के सेक्रेटरी मेंबर्स, बाहर स्कूल से आए हुए सारे टीचर्स, वीसी मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स और अजीज़ तालिब इल्म, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, तो मैं भी समझ सकता हूँ चीज़ें चल रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन को मैं अपने वीसीज की तरफ से, सुद इलाके के पेरेंट्स की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, आप सभी चेयरमैन और मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे स्कूल पे ये चीज़ें इनेकाद करने के लिए। सो नॉट टेकिंग सो मच टाइम, आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक आवर हेड मिसेज मैडम सारा जी, जिन्होंने ये प्रीमाइसेस लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन। मैडम साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप अपने ज़हन ख्याल से स्टूडेंट्स और टीचर्स और मेंबर्स को रोशनाइज करें। मैडम साहब मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल गैदर्ड हियर ऑन दिस वंडरफुल वंडरफुल इवेंट। It is a matter of pride for me that I get a chance to give thanks awards everyone present here. I Sahra Banu, on behalf of MS Yubaltak, first of all I would like to extend my words of thanks to the Almighty God to make today's event a resounding success. Thanks all the dignitaries, participants, staff members and VC members. On behalf of my school, I really extend my heartfelt thanks of words to our Ladakh Travel Foundation, who honored their inspirational thoughts to grace this event. Today, I had an opportunity to hear your thoughts. This will be surely going to end encourage to our students' future. सिल्वर मेडल जो हासिल किया है इरफान अली पी एस टंगो अपाती, इरफान अली पी एस टंगो अपाती। थैंक यू इरफान साहब। तो गोल्ड मेडल्स पहनाने के लिए हमारे मैडम साहब से गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर तस्वीर लाए। तो गोल्ड मेडल हासिल किया है हाजरा बानो जी एम एम एस यूरोबल तक, हाजरा बानो। थैंक यू। थर्ड पोजीशन निकाला है, तो थर्ड पोजीशन देने के लिए हम बकर साहब से गुजारिश करते हैं, जनरल सेक्रेटरी ट्रायल फाउंडेशन का। तो थर्ड पोजीशन हासिल किया है मेहरीन सलमा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शहरन। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सेकंड पोजीशन देने के लिए हम जमीन साहब से गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाकर सेकंड पोजीशन दे दें। तो सेकंड पोजीशन हासिल किया है मेहरीन निसा जीएमएस तक, मेहरीन निसा सेकंड पोजीशन।
के लिए हम खादिम साहब से गुजारिश करते हैं। तो फर्स्ट प्राइज हासिल किया है मोहम्मद जीशान इस्लामिया पब्लिक स्कूल अपाके। थैंक यू एवरीवन। सभी पार्टिसिपेंट्स का जिसने जीता है आप सबको मुबारकबाद। इंशाल्लाह आगे हम इस तरह के और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी मैं जितने भी हमारे मेहमान हैं मैडम साहिबा और खादिम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हॉल की तरफ तशरीफ ले जाइए। सर सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे आके ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आपने हमारे बच्चों को न्यू पाथ टू आवर स्टूडेंट्स दिस विल बी श्योरली गोइंग टू एंड इनकरेज अस इन आवर स्टूडेंट्स फ्यूचर। इंशाल्लाह आई विल होप वी विल कंटिन्यू सच टाइप ऑफ इवेंट फर्दर और बाकी जो हमारे जो अलग अलग डिफरेंट स्कूल से आए हुए बच्चों को भी यहाँ थोड़ा उनको भी हौसला अफजाई मिले जिसकी वजह से हमारे जो बच्चों के अंदर जो मतलब उनकी जो है अंदर की काबिलियत को हम मतलब बाहर जो हम निकाल सके मतलब हाँ जाहिर कर सके। बाकी मैं अपने वीसी मेंबर्स स्टाफ मेंबर्स और बाकी अदर पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज इंटर पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल में यूरोपल तक पे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन का क्योंकि तकरीबन 2 साल के कोविड के बाद स्कूल सब फिर से रीओपन हो गए हैं तो जिस वजह से ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों को स्टूडेंट्स को बूस्टअप करने के लिए। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से इस एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेंगे और अपने स्टडीज़ पे या अपने क्रिएटिविटी पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे है तो इस दिन को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे इलाके में गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल पे एक पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ के विलेजर्स यहाँ के जो विलेज की कमेटी है उनके साथ मिलकर। जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले 2 साल में ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से स्कूल वगैरह बंद तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इन चीज़ों से दूर रहे सोशल एक्टिविटीज़ से बाकी करिकुलर एक्टिविटीज से दूर रहे। तो हमने पहला हमारे कारगिल हेडक्वार्टर से नज़दीक जो हमारे ब्लॉक है तो यहाँ पे हमने शुरू किया है स्टार्टिंग हमने शुरू यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे एक वहाँ के जो कमेटी मेंबर्स हैं यहाँ पे इस वक्त इलाका के यूरोपल तक के हमारे वकील साहब हैं बाकी जो उनकी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस हुआ। उन्होंने हमें यहाँ वेलकम किया कि यहाँ पे एक उनके स्कूल पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो हमारे नज़र में ये रहा कि आज ये वर्ल्ड अर्थ डे है उसको डे को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो आज का पेंटिंग का जो टॉपिक भी रहा है दैट्स इन्वायरमेंट और इसके इश्यूज़ को लेके हमने टॉपिक रखा है। स्टूडेंट को हमने इस चीज़ पे बनाने की उनके जो क्रिएटिविटी है अंदर की जो एबिलिटी है उसको बाहर निखारने के लिए और सबसे मेन थिंग हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट को लेके उनका क्या सोच है उनका जो नज़रिया है उसको हम बूस्टअप करना चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं परखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे यही प्रोग्राम इसीलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसके में हमारे यहाँ के गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल यूरोपा तक के जो प्रिंस हेड मिस साहिबा है उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी तावन दिया और यहाँ के जो लोकल विलेजर्स जो यहाँ के कमेटी है यहाँ के जो मेंबर्स है यहाँ के जो यूथ है उन्होंने भी बहुत वेलकम किया और हमारा बिल्कुल यहाँ पे तावन दिया हमारा साथ दिया तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। तो हमारा भी ये मकसद रहेगा कि अपकमिंग टाइम में भी हम ऐसे ऐसे जगहों पर प्रोग्राम्स करते रहेंगे और इन इश्यूज को उजागर करते रहेंगे। तो जिस तरह लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन जो हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि काफ़ी आप लोगों पर काम कर रहे हैं समाज में हमने सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं आप लोगों का तो आगे जिस तरह आपने आज ब्लॉक लेवल पे जो यहाँ पे आपने ये जो ड्राइंग कंपटीशन आज की
डे की उस पे लेके आप लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया था। आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोगों ने क्या सोचा है कि हाई लेवल पे कुछ करने का, ऐसे ही कुछ, क्योंकि बच्चे काफ़ी कोविड की दो साल से बच्चे बिल्कुल आपको पता है कि किस हाल में है, और अभी वो लोग खुल के फिर बाहर निकल चुके हैं, बिल्कुल खुलेआम मतलब ज़िंदगी जीने में वो लोग थोड़ा ये है मसरूफ, तो इस दौर में आप लोग इसको लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कौन सा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का आपने सोचा है क्या सर? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, हमने शुरुआत जो है नज़दीक के यहाँ पे हमारे ब्लॉक से स्टार्ट किया है। हमारा ओवरऑल मोटिव रहेगा, ओवरऑल लद्दाख में हमारा पहला सोच था, हमारा ओवरऑल लद्दाख रीजन में इन चीज़ों को प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज हम कराते रहते हैं और आगे जगहों पे भी करते रहते हैं। अभी हमने शुरुआती यहाँ से किया है, यहाँ से हम परखेंगे हमारे यहाँ के ब्लॉक लेवल के स्टूडेंट्स में कितनी कैपेबिलिटी है, फिर उसके बाद हम उनकी कैपेबिलिटी को जानते हुए हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने तौफीक की तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन करा दें। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आप लोगों को किस किस का साथ सहयोग मिला है सर? बिल्कुल, इस सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स है, इलाका इस वक्त के जो मेंबर्स है, मैंने एक चीज़ यहाँ के लोगों में देखा, यहाँ के यूथ में, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे यूथ है, उनमें अपने जगह को लेके, अपने स्टूडेंट्स को लेके, अपने यूथ को लेके, अपने एरिया को लेके, अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन को लेके बहुत शौक है, उन बहुत जज्बा है, वो चाहते हैं कि उनकी एरिया भी इन चीज़ों में अपलिफ्ट है, उनके स्टूडेंट्स भी सामने आए, उनके स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी भी बाहर आ जाए। तो यहाँ के लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर शाना बशाना मेरा यहाँ पर साथ दिया, ये चीज़ तमाम प्रोग्राम्स उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, हमें हमारा हेल्प किया। और यहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल के जो हेड मिसेस साहिबा है उनका भी बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि वो खुद भी एज अ हेड मिसेस यहाँ पे स्कूल को उन्होंने बहुत अच्छी तरह संवारा के रखा हुआ है। स्कूल में यहाँ पे स्टूडेंट्स को, यहाँ के एरिया को, यहाँ के सराउंडिंग को हम देखते हैं, या यहाँ के लोकल विलेजर्स भी उनका बहुत तारीफ करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना जो कैंपस यहाँ पे स्कूल एरिया हमें प्रोवाइड किया और यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। थैंक यू।